गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आज मैं निकल रहा हूँ एक ऐसे मंदिर की ओर जिसे कि कुछ कम ही लोग जानते हैं। रहस्यमय तो नहीं, कुछ छुपा सा मंदिर है जिसे कि ना तो कॉर्बेट जानने देता है और ना ही यहाँ पे बने हुए जो रिजॉर्ट्स हैं ना ही वो कभी किसी गेस्ट को उस जगह के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर कि कहा जाता है कि पांडवों द्वारा 1 साल का टाइम काटा गया था, जो कि वो कौरवों से छुपकर उस स्थान पे 1 साल के लिए रुके हुए थे। तो उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की थी जो कि वहाँ पर एक शिव मंदिर है। तो दोस्तों आज चलते हैं उस शिव मंदिर की तरफ और आज मेरे साथ में दीपांशु। हाय। तो दीपांशु आज दोस्तों इस ब्लॉग की मोस्टली शूटिंग यही करेगा और जो मेरे से पॉसिबल होगा वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जंगल में जंगली मुर्गियाँ और कई जानवर भी दिखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं और लेकर चलते हैं आपको शिव मंदिर की ओर जो कि जंगल के बीच में है दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं इस जगह पे, जैसा कि आपको मैं सामने दिखाऊं जहाँ पे ये आपको स्कूल बस खड़ी दिखाई दे रही है। इस जगह से शिव मंदिर जाने के लिए एक रास्ता ये सामने की ओर पड़ता है जहाँ से आप शिव मंदिर की ओर जा सकते हैं। और इस रास्ते से अभी हम जाएंगे तो नहीं, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो मेन दूसरा रास्ता है, रास्ते से अभी हम लोग शिव मंदिर में जाएंगे दोस्तों। सामने कुछ इस डायरेक्शन में शिवालय मार्ग का ये रास्ता, जैसा कि आपको मैं दिखाऊं यहाँ से आप शिव मंदिर की ओर जाएंगे दोस्तों। अगर आपको मैं सामने की ओर दिखाऊं तो इस तरह से स्पोक हार्ट करके कुछ एक यहाँ पे ये साइकिल्स का कुछ है और सामने ये अरोमा हेवेंस का है सामने की ओर। इस तरह से ढिकली से आप आ जाएंगे दोस्तों। अगर आप रामनगर से आते हैं तो रामनगर से आपको पड़ेगा यही कोई 8-9 किलोमीटर की दूरी पे। तो दोस्तों चलो चलते हैं शिव मंदिर की ओर और दिखाते हैं आपको शिव मंदिर। तो अभी हमें इस रास्ते पर पैदल ही जाना होगा क्योंकि ये कुछ इस तरह रास्ता है सामने। तो लेकर चलते हैं आपको, क्योंकि ये जो रास्ता है कुछ इस तरह का है पहाड़ियों पर और समथिंग ये यही कोई हमें 100-200 मीटर पैदल चलकर जाना होगा। इतना चलने के बाद हमें सामने की ओर शिव मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिव मंदिर के इस गेट के पास और आपको दिखाऊं यहाँ से सामने कुछ इस तरह का ये फॉरेस्ट एरिया जो कि कुछ इस तरह से है दोस्तों। आप सामने की ओर आपको मैं दिखाऊं तो अभी हम लोग इस रास्ते से होकर आए हैं जो कि कुछ इस तरह सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि मैं आपको सामने कह रहा था कि ये उसका दूसरा रास्ता है, तो सामने ये वो रास्ता है, सामने ये वो रास्ता है जहाँ से आप आ सकते हैं और इस रास्ते से आप शिव मंदिर में एंटर हो सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अभी शिव मंदिर है। चलो चलते हैं आगे की ओर और आपको मैं सामने, जैसा कि हर मंदिर में जाने से पहले कुछ ना कुछ नोटिस होता है, सेम यहाँ पर भी है, कृपया स्वच्छता बनाए रखें, दैट्स राइट, बहुत अच्छी बात है। और सामने की ओर ये धारा जिससे आप अपने पैर मुंह हाथ जो भी आपको धोना है मंदिर में प्रवेश करने से पहले, तो आप इस स्थान पर पहले अपने पैर हाथ जरूर वॉश कर लें, धो लें, उसके बाद ही आप मंदिर में प्रवेश करें दोस्तों।
तो दोस्तों ये सामने शिव मंदिर, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है, जैसा कि अभी तक इस स्थान पे काफी कम लोग आते हैं। नमस्कार बाबा जी। तो ये वो बाबा जी हैं जो कि यहाँ पे रहा करते हैं, जिस तरह से ये सामने कुछ प्राचीन हस्तकलाएं जो कि पांडवों द्वारा इस जगह पे की गई हैं, ये सामने की ओर आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ इस तरह से। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सामने की ओर ये शिवलिंग है, जिसे कि भीम द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। जो पांडव थे उन्होंने समथिंग 1 साल इस स्थान पे बिताया था, जो कि कौरवों की डर से इस स्थान पे वो रुके थे। जैसा कि आप कह सकते हैं कि हाँ, वो डर कर इस स्थान पे आए थे। तो ये वो स्थान है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले करते हैं इसके चारों ओर के दृश्य को कवर। और जैसा कि कुछ इस तरह का ये सामने की ओर है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जंगल के बीचों बीच में ये मंदिर बना हुआ है, जो कुछ इस तरह से है। फूली चारों तरफ से ये जंगल से घिरा हुआ है, और अक्सर यहाँ पे शिवरात्रि के समय में जो कांवर होती है वो यहाँ पर अपनी कांवर भी लेकर आती है दोस्तों। और सामने की ओर कुछ इस तरह से पुराण, शिव पुराण के कथा अनुसार कुछ ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने ये शिव की एक तस्वीर लगी हुई है, और ये दानदाता सूची, जो कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इस मंदिर के लिए दान दिया गया है, जो कुछ इस तरह से है। दोस्तों शिवरात्रि के समय में इस जगह पे काफी भीड़ होती है। अभी तो खैर मैं शिवरात्रि के समय व्रत नहीं लेता हूँ, पहले जब मैं व्रत लेता था तो मैं भी इस स्थान पे शिवलिंग में दूध और जल चढ़ाने आया करता था। तो फिलहाल अभी मैंने व्रत लेने कर दिए हैं बंद, तो फिर भी मेरा मन था इस जगह पे आने का और आपको दिखाने का। जैसा कि दोस्तों आपको मैं इसकी कुछ हिस्ट्री बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कॉर्बेट पूरी दुनिया में जैव विविधता के लिए जाना जाता है, मगर कॉर्बेट से सटा ये ढिकली जो गांव है दोस्तों, अपनी पुरानी पहचान पर्यटन के मानचित्र में आज तक नहीं ला पाया है। तो ढिकली कभी, जैसे कि कहा जाता है, ये पांडव काल का विराट नगर था। तो अगर सामने आपको मैं दिखा पाऊँ, यहाँ ये मौजूद पांडवकालीन शिव मंदिर का, ना तो इस मंदिर का किसी तरह से प्रचार हो पाता है, ना ही इसका प्रसार हो पाता है। तो जैसे कि ये कॉर्बेट में होने की वजह से इसका किसी तरह से कोई प्रचार नहीं हो पा रहा है दोस्तों, जिससे कि बाहर से आने वाले यहाँ पे जो पर्यटक होते हैं उन्हें भी इस मंदिर के बारे में किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जिससे कि वो यहाँ पर आ सकें। कॉर्बेट में होने का ही इसका एक मुख्य रीज़न है, जिससे ना तो इसमें कोई होटल कर्मी या होटल मालिक किसी तरह से भी, मतलब इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है।
और मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप कभी कॉर्बेट में आ रहे हैं, जैसा कि कॉर्बेट के किसी जोन में भी अगर आप सफारी करने आ रहे हैं, तो सारी जोनों में अगर आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ खर्च करना ही पड़ेगा जब आप वहाँ की सफारी कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इतना सारा कुछ करते हैं तो ये सामने ढिकली गांव है जो कि कभी विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप यहाँ पे अगर कभी स्टे करते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर इस स्थान में भी आए और देखें। ये जंगल के बीचों बीच बना एक शिव मंदिर है जो कि प्राचीन शिव मंदिर है। यहीं पर पांडवों ने कौरवों से छिपते हुए एक साल अज्ञातवश बिताया था। जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, पांडवकालीन शिव मंदिर ढुकली के पश्चिम की ओर पहाड़ियों पर बना हुआ है। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं इसे गरल कंठेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। और मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित किया है ये पांडव पुत्र भीम ने किया था। जैसा कि यहाँ से अभी कॉर्बेट के अधीन में है, लेकिन यहाँ पे पूर्व प्रधान राकेश नैनवाल जी द्वारा कहा जा रहा है कि पुरातत्व विभाग द्वारा आज भी यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। ना तो वह खुद इस पर कोई काम करता है, ना ही यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें इस पर किसी तरह का काम करने की अनुमति देता है। अगर इसका प्रचार हो सके तो दोस्तों यहाँ पर जो आते हैं कॉर्बेट में घूमने वाले पर्यटक, तो वो भी इस जगह पे आकर के, जैसा कि आप अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं सुबह के समय आया हूँ तो यहाँ पे कुछ शांति का माहौल है और जैसे कि हल्की आपको जंगली जो चिड़ियाएँ हैं उनकी हल्की सी साउंड जो आपको यहाँ पे आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। और ये काफ़ी एकदम शांति की जगह पर है। सामने की ओर आप देख पा रहे हैं ये एक मोर है। जैसा कि दोस्तों जब हम लोग कभी पहले यहाँ पे आया करते थे स्कूल टाइम में, तो इस जगह पे जंगली मुर्गियाँ और काफ़ी सारे जंगली पक्षियाँ यहाँ पे देखने को मिलते थे, जैसे तोता हो गए, मुर्गी हो गई, और कुछ ऐसी विदेशी पक्षियाँ भी इस स्थान पे आती थी। जैसा कि ये स्थान काफ़ी ठंडा है, तो अभी सामने की ओर एक मोर जो कि जंगल में चला गया है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये था हमारे यहाँ का ढुकली गांव में जो कि कभी विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। ये यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। इस स्थान पर दोस्तों अगर, जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी तो यहाँ पर गांव के लोकल ही लोग आते हैं और गांव के जो अगल बगल के गांव हैं वो लोग इस स्थान पे आते हैं। जैसा कि मैं भी कभी इस स्थान पे आया करता था, जैसे कि अपना स्कूल टाइम, और स्कूल टाइम के बाद भी मैं यहाँ पे आता था, जैसे कि शिवरात्रि के समय यहाँ पे गाँव के लोग सुबह से ही आना स्टार्ट कर देते हैं और इस स्थान पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शांति का एक माहौल है, अभी किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉरेस्ट जोन में आता है। बट और ना ही यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ की कोई अवेयरनेस होती है, जैसे कि उन्हें पता भी नहीं है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है शिव मार्केट करके, उसे देखते भी है तो उन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि शिव मंदिर कितनी दूरी पर है और किस तरह का रास्ता है। तो दोस्तों आज मैंने अपने इस ब्लॉग में इसीलिए इस जगह को कवर करने की कोशिश की कि आपको यहाँ का रास्ता भी दिखा सकूँ और किस तरह का यहाँ पे सरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और कैसा यहाँ पे व्यू है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो हिस्ट्री थी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप जब कभी भी जिप कॉर्बेट में आते हैं, अगर आप भगवानों के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, तो दोस्तों आप इस प्राचीन शिव मंदिर में ज़रूर आएँ। तो जैसा कि ये कुछ इस तरह से था। तो दोस्तों आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों, जिससे कि मैं अपनी वीडियो का बहुत टाइम फुली कवर कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।